एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र प्रभावी हो चला है और पिछले 24 घंटे से ही ये काफ़ी ज़्यादा सशक्त हो चुका था। और अब की अगर मैं बात करूँ इस समय वर्तमान में, अभी आप देख सकते हैं ये सिस्टम डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और बंगाल की खाड़ी पर मॉनसून सीजन का दूसरा डिप्रेशन बन चुका है। पहला डिप्रेशन काफ़ी इंटेंसिफाई होता हुआ देश के मॉनसून को प्रभावित करता हुआ निकल गया और अब एक नया डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ इस समय अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं किस तरह से ECMW मॉडल और GFS मॉडल दोनों ही अलग अलग ट्रैक इस सिस्टम का दिखा रहे हैं। दोनों ही मॉडल जो है वो किस दिशा में सिस्टम के जाने को लेकर संकेत दे रहे हैं। आखिरकार क्या रहेगा इस सिस्टम का ट्रैक, ये जानते हैं इस वीडियो में। इसके अलावा सिस्टम कहाँ पर तबाही मचा सकता है क्योंकि मॉनसून सीजन का दूसरा डिप्रेशन है, मॉनसून का समय चल रहा है और ऐसे में सिस्टम के अंदर हवाओं की स्थिति इस बात को बयां करती है कि आखिरकार सिस्टम जिस भी दिशा में जाएगा संभव है कि वहाँ पर काफ़ी भारी बारिश देगा और तबाही मचाएगा। तो ऐसे में इस सिस्टम के भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होने और देश के कई राज्यों में तबाही मचाने की आशंका नज़र आ रही है क्योंकि दोस्तों भारी से अति भारी बारिश ही देगा। तो ऐसे में हालात खराब होने की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा पहले से ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान पर बना हुआ है जिसके चलते जयपुर सिटी में काफ़ी भारी बारिश हुई और जो बारिश का आंकड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा रहा। इसके अलावा दिल्ली पर भी काफ़ी व्यापक बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब हरियाणा के कुछ भागों पर भी अच्छी बारिश हो रही है सिस्टम से। और अभी एक नया सिस्टम आ चुका है बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ डिप्रेशन और ये मॉनसून सीजन का दूसरा डिप्रेशन है। तो इसमें आप देखिए कि इस समय अगर हम देखें तो मॉडल जो इंडिकेशन दे रहे हैं उसके अनुसार ये सिस्टम जो है वो बिहार के ऊपर आगे बढ़ रहा है। बिहार के आसपास के भागों पर यह बना हुआ है लेकिन एक्चुअल में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ अब धीरे धीरे झारखंड को प्रभावित कर रहा है। झारखंड को प्रभावित करता हुआ ये सिस्टम जो है वो आज दोपहर या शाम तक उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास पहुंचेगा और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर यह सिस्टम रहेगा, उत्तर पूर्वी हिस्सों पर। तो इसके चलते काफ़ी भारी बारिश की संभावना हमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डरवर्ती क्षेत्रों पर आज नजर आ रही है। मौसम विभाग ने भी मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी जिलों में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके बाद उम्मीद है कि 4 अगस्त को ये सिस्टम जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश व उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँच जाएगा, यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग के क्षेत्रों पर रहेगा। और इसके चलते उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। तबाही का आपको दृश्य देखने को मिलेगा क्योंकि सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो चला है और इसके चलते मॉनसून का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। खासतौर पर राजस्थान के भागों पर यह सिस्टम जो है 5 अगस्त को बहुत भारी बारिश देगा और आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ आपको राजस्थान पर नजर आ सकता है जिसमें पूर्वी राजस्थान का पूरा ही क्षेत्र शामिल है। ये उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर से होकर गुजरेगा और लगातार पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ेगा। तो इससे में उम्मीद है कि सिस्टम के चलते काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना राजस्थान पर रहेगी। इसके अलावा पहले से एक सिस्टम आप देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए आपके यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है। तो इस सिस्टम के चलते भी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर काफ़ी अच्छी बारिश पिछले दिनों भी हो रही थी और अभी भी जारी है। तो ऐसे में ये सिस्टम जो है काफ़ी भारी बारिश देने वाला है। अब आपको बारिश की भी स्थिति दिखा देता हूँ, वो लगातार आगे बढ़ेगा और जाहिर सी बात है जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर काफ़ी भारी बारिश देगा और तबाही का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों मैं आपको बारिश की स्थिति दिखा देता हूँ। तो ये बारिश का आप प्रदर्शन देख सकते हैं पूरे भारत पर, चूँकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रैप बनी हुई है। तो इन सब के चलते उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में काफ़ी भारी बारिश हो रही है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत पर भी काफ़ी अच्छी बारिश का प्रदर्शन है। अब आप देखिए सिस्टम जो है वो बना हुआ है डिप्रेशन, आप देखिए किस तरह से बिहार को प्रभावित करेगा और लगातार इसका जो ट्रैक है वो आप देखिए किस तरह से अब धीरे धीरे थोड़ा दक्षिणवर्ती होगा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों को प्रभावित करेगा। फिर उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग से होता हुआ फिर ये राजस्थान की कोटा की ओर बढ़ेगा और राजस्थान के कोटा क्षेत्र को प्रभावित करता हुआ ये जालौर जयपुर को प्रभावित करेगा और फिर ये सिस्टम जो है वो जोधपुर में काफ़ी भारी बारिश देगा। राजस्थान का क्षेत्र है ये और राजस्थान के बीकानेर से लेकर जो जोधपुर और जयपुर, उदयपुर, कोटा समेत जो पूर्वी रीजन है, इसके अलावा दक्षिणी मध्य रीजन है, वहाँ पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश पर भी इस सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव नजर आएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों कहने की बात यह है कि जब भी कोई सिस्टम आता है तो वो एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है और जब ये सिस्टम आ रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बारिश देश के कई राज्यों में देगा और खासतौर पर सूखेग्रस्त क्षेत्रों में, खासतौर पर राजस्थान के जो शहर थे वहाँ पर विडंबना बनी हुई थी किसानों के बीच में और लगातार टिप्पणियाँ आ रही थी कि बारिश की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई संभावना नहीं है, फिर भी आप चेतावनी जारी करते हैं। ऐसे में वहाँ पर जो आशंकाएं, जो संभावनाएं थी वो अब पूरी तरह से प्रबल होती हुई नजर आ रही है और जब ये सिस्टम आ रहा है तो काफ़ी अच्छी भीषण बारिश देने वाला है और राजस्थान में इस बार मॉनसून का प्रदर्शन भी काफ़ी बेहतर रहने की संभावना जताई थी। तो ऐसे में अब ये सिस्टम आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बारिश देगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड और देश के कई राज्यों पर भी काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होगी और मॉनसून का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस अपडेट के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।